नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलाई खोल कर रख दी है। संसाधनों की कमी ने भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था को ही आईसीयू पर ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की छवि को तार तार होते देखा जा रहा था। अब इन अखबारों की सुर्खियों पर भारत सरकार सफाई पेश करता हुआ नजर आ रहा है। भारत में कोरोना से हुई मौतों पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट को निराधार बताया है। सरकार ने कहा है कि ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस रिपोर्ट को अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों की तुलना में दोगुनी है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रति एक प्रति शेयर करके सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो एक बार फिर विपक्ष को केंद्र सरकार को साधने का मौका मिल गया और सवाल उठाने का भी मौका मिल गया। लेकिन क्या ये वक्त सही है? क्या भारत पर सवाल खड़े कर देने से या इस तरह से सरकार से सवाल पूछने से क्या भारत की छवि धूमिल नहीं होती है? क्या हम दूसरे देशों को ये अनुमति देते हैं कि वो हमारे भारत राज्य में इस तरह से हमारी छवि खराब करने के लिए वो इस तरह की खबर को प्रकाशित करें? और ये अमेरिका में पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स कई तरह की भारत को लेकर कई तरह की वैक्सीन पर सवाल खड़े कर चुका है। इससे पहले भी वो कह चुका है कि भारत में प्रतिदिन 10,000 मौतें हो रही। तो इस तरह के दावे और उसके बाद जब विपक्ष दो बाट में बढ़ जाता है, जब हमारा भारत खुद दो बाट में बढ़ जाता है, तो ये बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या ये वक्त सही है? इस महामारी के दौर में जहां हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए, वहां हम ही अपनों से सवाल पूछ रहे हैं। नीति आयोग ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को निराधार बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 लोगों से फोन पर बात कर लेने से ये नहीं हो जाता है कि ये रिपोर्ट सही है। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। जी जी नमस्कार सर। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नीति आयोग ने इसे निराधार बताया है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट किस हद तक आपको सही लग रही है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से पूरे देश के सामने एक बार पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स अगर कुछ कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना ज्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता है। कीर्ति, पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये स्थिति पैदा किन्होंने की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नाम और सुर्खियां बटोरने की कवायद किसने शुरू की? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से अपने आप को विश्वगुरु में सबसे विश्वगुरु बताते हुए विश्व का कीर्तिमान नेता स्थापित करने का प्रयास किसने शुरू किया? आपने जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दखल अपने देश में देने की इजाजत दी शुरू में, सरकार बनाने के टाइम में, छवि सुधार के मामले में, आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसी का खुल के लाभ ले रही है। ट्विटर पे भी आप इनकी पॉलिसी देख लीजिए, वो जरूरी है अपने दायरे पे, वो जरूरी है। अगर आप विदेश में अपनी छवि को सही करके रखते हैं तो वो सही है, लेकिन विदेशी टाइम्स में या विदेशी न्यूज के माध्यम से इस तरह से भारत की छवि खराब की जाती है तो क्या लगता है आपको, हमें एकजुट आकर सामने इसका विरोध नहीं करना चाहिए? आज तक क्या मौजूदा सरकार ने कभी सर्वदलीय बैठक बुलाई? आज तक क्या मौजूदा सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना जरूरी समझा? आज तक क्या मौजूदा सरकार ने विपक्ष को विपक्ष की तरह सम्मान देना जरूरी समझा? इन्होंने तो केवल और केवल लोकतंत्र के अनुसार आवाज दबाने का प्रयास किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हीं के अपने जो सबसे खास मित्र हुआ करते थे, जिनके दम पर ये वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे थे, अब अगर वो कुछ कह रहा है तो जाकर के खुद ही जवाब देना। विपक्ष को तो इन्होंने कभी साथ लेने का प्रयास ही नहीं किया। विपक्ष तो इनके लिए केवल और केवल देना तो बिल्कुल बनता है और उन्होंने नीति आयोग ने इसका विवेक जी नीति आयोग ने इसका जवाब भी दिया। वो है जो सरकार की छवि खराब करता है। बिल्कुल जवाब दिया नीति आयोग के माध्यम से, कई बार इनको सुझाव दिए, लेकिन क्या इन्होंने कभी सकारात्मकता का रुख अपनाया? अब वही कहावत एक है कि चरित्रार्थ हो रही है, बोया पेड़ बबूल तो आम कहां से होए। जो इन्होंने बोया आज इन्हीं को काटना पड़ रहा है। ट्विटर से लड़ रहे हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लड़ रहे हैं ये, भारत की छवि सुधारने की बात कर रहे हैं,
जब विपक्ष इनको सकारात्मक मुद्दों पे सहयोग देने की बात करता था, विवेक जी कहीं ना कहीं तो जब आपने अपने ही घर के लोगों को सम्मान ना दिया, कहीं ना कहीं तो भारत में भी उंगलियां उठी ना विवेक जी, कहीं ना कहीं भारत के लोगों ने भी तो आज भी इन्होंने कोई विपक्ष से सर्वदलीय बैठक नहीं की कि आप लोग आइए एकजुट होइए और इसका एक साथ खंडन किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। लेकिन विवेक जी क्या आपको नहीं लगता विवेक जी, ये है कि मौजूदा सरकार विपक्ष को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनका एक ही मत है कि मोदी ही भारत है, तो ये गलत चीज है। ये लोकतंत्र है, मोदी भारत नहीं हो सकते, भारत से मोदी हो सकते हैं, भारत से मोदी सरकार हो सकती है। हमने कभी भी मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पे हमेशा कुठाराघात करने का प्रयास, ठीक है भाई, इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता, आप कहीं एक स्टेटमेंट ऐसा हमारा बता दीजिए। नरेंद्र सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं, ठीक है, जो है वो भारत, विवेक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अपने देश की संस्थाओं में कितने लोगों को भारत विरोधी करा, विवेक जी आपको मेरी आवाज आ रही? मौजूदा अपने देश के विपक्ष को इन्होंने देश विरोधी बता दिया कितनी बार, तो इतनी निकृष्ट स्तर की राजनीति जो इन्होंने ही परंपरा इसकी शुरू की है, ये गलत राजनीति की परंपरा, ठीक है विवेक जी, की हुई देन है कि आज नरेंद्र सिंह राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो चाहे उठा करके लिख देता है। पहले भी सरकारें रही हैं, आज तक तो कभी किसी सरकार के ऊपर इस तरीके से सीधे कुठाराघात करने का किसी की हिम्मत नहीं। मेरी आवाज शायद तक विवेक जी को नहीं मिल पा रही, विवेक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीति आयोग ने केजरीवाल के दिल्ली स्कूलों के मॉडल की जम करके तारीफ की थी, और अभी ये WHO विवेक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस तरह की खबर प्रकाशित हुई है और उन्होंने दावा किया है कि जो मौतों के आंकड़े सरकार दिखा रही है भारत में वो बहुत कम है, उसके विपरीत परिस्थितियां अलग है, ठीक है विवेक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जिस बात का कह रहे हैं कि आप सामने आकर सरकार को खुद अपने आप की छवि जो धूमिल हो रही है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता जब भारत में ही जब वैक्सीन को लेकर सवाल उठे थे और आप ही के अपने लोगों ने जब सवाल उठाए थे तो वो भी कहीं ना कहीं गलत आता है, गलत चीजों को दर्शाता है? ट्रायल कंप्लीट नहीं होते और जब तक संस्थाएं उसको प्रमाणित नहीं करती हैं, हम किसी राजनीतिक दल के कहने पर वैक्सीन के आधारभूत शिला को नहीं मान सकते। और जब इन्होंने अखिलेश यादव जी ने ये वैक्सीन पे जो स्टेटमेंट दिया था उत्प्रेरित करने के आधार पे, क्या भाजपा के नेताओं ने शीर्ष नेताओं ने वैक्सीन लगवा ली थी? ये केवल एक व्यक्तिगत तथ्य जिसको लेकर के इन्होंने राजनीतिकरण किया, उस तथ्य का आज उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि विश्वास किस वैक्सीन पे ज्यादा है, रूस की वैक्सीन पर ज्यादा विश्वास है, अमेरिकन वैक्सीन पे ज्यादा विश्वास है या भारत की? हमें उस वैक्सीन पे विश्वास है, वैज्ञानिकों की बात हो रही थी ना, वहाँ पे तो सरकार की बात आती नहीं है जी। नहीं नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ हमें उस वैक्सीन पे विश्वास है जिसकी प्रमाणिकता इंडियन मेडिकल काउंसिल और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी प्रमाणित कर देगा, हम उस वैक्सीन को लगवाएंगे। और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने भी उसी समय ये स्टेटमेंट, नरेंद्र सिंह राणा जी भी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर प्रकाशित की गई है कि जो आंकड़े सरकार द्वारा दर्शाए जा रहे हैं मृत्यु के भारत में, उसके विपरीत परिस्थितियां कुछ और है, इसको लेकर नीति आयोग ने हालांकि इसे निराधार बताया है, लेकिन आपका क्या कहना है? लगातार विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहा है कि आंकड़े छुपाने की सरकार कोशिश कर रही है। चीजें हैं इसमें, एक तो अमेरिका का हमारे देश में इस प्रकार से रुचि लेना आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो वहां पर 57 लाख लोग संक्रमित हैं और हमारे यहाँ 24 लाख हैं। ये तो किसी से छुपाया नहीं जा रहा, ये तो आंकड़े हैं। और वहां की मृत्यु दर में और हमारी मृत्यु दर में जो अंतर है वो भी स्पष्ट है कि वहां जो है वो मृत्यु दर ज्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम। अब अमेरिका के अंदर इस प्रकार की न्यूज का आना, भारत सरकार ने यद्यपि इसका पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि ये 13 से 14 गुना मतलब बढ़ाकर दिखाई गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वे का आधार है उस अखबार का जिसको उसने कोट किया है कि हमने जो है ये रिपोर्ट सीरो सर्वे से लिया है, यानी भारत के जो अलग अलग डॉक्टर हैं उनकी अलग अलग राय से उन्होंने जोड़ा, जैसे एक ने मृत्यु दर 0.3% बताई, दूसरे ने 0.5% बताई, तीसरे ने 0.6% बताई,
तो ये तो भारत के जो तीन लोगों से उन्होंने पूछा, बिल्कुल नरेंद्र जी को सब अपनी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह के बार बार कृत्य अमेरिका के द्वारा, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी पत्रकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, जो बार बार कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है भारत की एक तरह से? निश्चित रूप से भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो हमेशा कभी नहीं चाहते कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो एक उदाहरण बनकर लोगों के सामने आए, और भारत सरकार समय समय पर उस चीज से उनको अवगत भी कराती है। तो अमेरिका को अपने देश में रुचि लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि भारत जैसा देश जो विकासशील देश है, और निश्चित रूप से अमेरिका एक विकसित देश है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ उनसे कम मृत्यु दर है, उनसे कम मरीज हैं, तो वो हमारे यहाँ रुचि लेने के बजाय ढूंढे कि कोरोना कहाँ से आया, मृत्यु ब्राजील में। लगातार ये कहता आया है कि कहीं ना कहीं सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या ये सच नहीं है कि जिस तरह के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उसके विपरीत परिस्थितियां हैं? नहीं देखिए, आंकड़े कैसे छुप जाएंगे, मृत्यु छुपती है क्या भाई? किसी के भी गांव में मृत्यु हुई या शहर में हुई वो नहीं छुपती है। आंकड़े जरूर ये कम ज्यादा है, लेकिन उसमें भी कोरोना से कैसे हुआ, कोरोना में तो जो भर्ती होते हैं, जो बेचारे ठीक नहीं हो पाते हैं, जो दुखद है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो तो सबके सामने रहता है। एक सामान्य मृत्यु और कोरोना की मृत्यु के आंकड़े नहीं छुपाए जा सकते ना। ठीक है विवेक जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र जी कह रहे हैं कि मृत्यु के आंकड़े नहीं छुपाए जा सकते, क्या वही स्थितियां हैं, और क्या हम हक देते हैं दूसरे देशों को कि वो भारत पर उंगली उठा सके या भारत के बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणी करे? नहीं, भारत के देखिए तो दूसरे राजनीतिक दलों का तो मैं जानता हूँ कि नहीं देते हैं। भाजपा ने तो खुद दौड़ दौड़ करके विदेशी मीडियाओं को भारत में घुसने की इजाजत दी है, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने जितने भी कोविड के सर्टिफिकेट लिए हैं सब अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट है, और जितनी भी इनकी आर्थिक नीतियों के सर्टिफिकेट है अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट दिखा दिखा करके ये अपनी वाहवाही लूटते आए हैं। तो ये तो इन्होंने खुद बोया है, आज ये उसी के शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कोविड पे सही प्रबंधन करते हैं तो कोविड पे आपको पता होगा सलाहकार ग्रुप के चेयरमैन जो थे, आपको नाम पता होगा डॉक्टर शाहिद जमील ने, कि अपने जो कि शीर्ष वायरोलॉजिस्ट थे कोरोना वायरस पर बने सलाहकार ग्रुप के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो ऐसी कई घटनाएं इस सरकार में, और अभी इन्होंने क्या कहा आंकड़े की बात, अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुई थी खबर कि 9000 कोरोना कोविड पेशेंट्स के डेटा गायब है, और किसका कहां से गायब थे, पीजीआई राम मनोहर लोहिया किंग जॉर्ज, आपको पता ही होगा पेपर में खबर आया था 9000 एक ही नाम पे इन्होंने कई रजिस्ट्रेशन किए। उसके बाद कानपुर की खबर आप भूल गई, जब 13 का आंकड़ा सरकारी दिया गया था और उस दिन टोकन नंबर ही 100 से ऊपर चल रहा था। तो देखिए कई जगह हम तो विपक्ष है, हम तो कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे विपक्ष हमारा नाम खराब कर रहा है, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय नाम चाहिए था। अब अंतर्राष्ट्रीय नाम अगर अंतर्राष्ट्रीय लोग बदनाम कर रहे हैं तो आप मुंह हमारा मुंह देख रहे हैं। अभी भी क्या इन्होंने इस मुद्दे पे सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्ष इन्होंने सहयोग मांगा, इनको तो लगता है कि मोदी भारत है, ऐसा नहीं है, इनको इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, ये लोकतांत्रिक देश है। अब ये बताइए कोविड में लॉकडाउन चल रहा है, एस्मा लागू करने का क्या मतलब था, क्या नियत थी, क्या मंशा था? आप तो खुद अपनी जनता को अपने खिलाफ कर रहे हैं ये सारी हरकतें करके, आप तो विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप तो गांव के लोगों को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो गांव में चुनाव लड़े हैं, आज तक तो इनका गांव से दरोगा नहीं। नरेंद्र जी ठीक है, विवेक जी, नरेंद्र जी आपको क्या लगता है जिस तरह से विवेक जी लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ही गलतियां हैं, पहले छवि अच्छी करने की कोशिश की, जब वो छवि अच्छी नहीं हो पाई उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स गलत छवि दिखा रहा है, भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, एम्सा एक्ट को भी वो ले आए कि इस वक्त क्या लगाने की जरूरत थी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से आंकड़े छुपाए गए, 100 लोगों के टोकन दिए गए, 13 मौतें दर्शाई जा रही थी प्रतिदिन, तो कहीं ना कहीं ये भी तो सच्चाई है। दो चीजें हैं, एक तो सत्य कभी छुपता नहीं है, ठीक है, आज सरकार छुपाए या विपक्ष गलत आरोप लगाए तो कल तो पता लगेगा ना उसका, सत्य जो है वो कभी नहीं छुपता है, झूठ के पांव नहीं होते हैं। आपने बात की कि विदेशी मीडिया को आपने, अरे भाई हमारे देश के लिए जो हितकर होगा हम करेंगे, और जहां हमारा हित हमें लगेगा हम उसका विरोध करेंगे। अब वही विदेशी मीडिया जब काट में दौड़ रही है, सुन लीजिए भाई पहले, अब विपक्ष की बात करें तो आज जनता में कोई आक्रोश नहीं है, कोई रोष नहीं है,
हम इस दुखद मृत्यु से या इस कोरोना महामारी से पेट्रोल पंप आइए चलते बाजार में। ठीक है विवेक, हम पहले नारायण जी की बात सुन ले। विवेक जी एक सेकंड। ठीक है विवेक, नारायण जी और हमारे प्रधानमंत्री जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी WHO क्यों प्रशंसा करता है, उसका वर्ल्ड प्रशंसा करता है। ठीक है नरेंद्र जी, हम घोर निंदा करते हैं जिस तरह से खबर प्रकाशित की जा रही है न्यूयॉर्क टाइम्स के ओर से, लेकिन किस तरह की आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किस तरह से आप भारत का रुख होने वाला है अमेरिका के खिलाफ? देखिए विदेश नीति के अंतर्गत हम जो भी विरोध अपना दर्ज करा सकते हैं हमने दर्ज कराया है और भारत सरकार ने हमेशा, मैं एक उदाहरण आपको दे दूं थोड़ा सा इससे हटके है, जैसे हमने जो रक्षा सौदों की डील करी उसमें अमेरिका चाहता था कि हम जो है जो रूस से हमने एंटी मिसाइल 400 प्रणाली खरीदी वो अमेरिका से खरीदे, लेकिन क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो रूस से अच्छी किसी की नहीं है तो हमने वहां से ली। अब चिनाकू हेलीकॉप्टर है वो चाहता था फ्रांस की हमसे लें अमेरिका से ना लें, लेकिन वो अमेरिका का सबसे अच्छा है हमने वहां से लिया। राफेल जो आपने रूस से मंगवाई है कहीं नहीं, मेरा उदाहरण देने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें जहाँ से जो सबसे उचित लगता है हमारे देश के लिए हमारी सरकार वो करती है। हमारे यहाँ दलाल नहीं है बीच में जो विपक्ष में थे, फिर वही आ जाएगा कि हम आरोप लगाते हैं। दलाल मंत्री का भी उदाहरण है, तीन चार दिन से चल रहा है, आप ये तो मत कहिए कि दलाल नहीं है आपके यहाँ पे। भ्रष्टाचार के बैठे हुए हैं, कीर्ति जी अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है, राजनीति को मंत्री जी के भाई भी इसी में सो रहे हैं, मंत्री जी भी ऐसी क्या बात आ रहे हैं। करके दिखाया है कि वो उनका अपना निजी कुछ नहीं है, जो कुछ है उनका देश है और बिना भेदभाव के आप देशभाव लाने इस वक्त जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं योजनाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेशी देशों में हमारी छवि धूमिल हो रही है, तो उसके खिलाफ भारत को एकजुट होकर सामने आना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस पर भी विपक्ष पर बात करनी चाहिए और जिस तरह से लगातार बातें हो रही हैं? तो पूछिए विपक्ष की सरदली पकड़ कब होनी है, हम तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम देश के नाम पे आगे कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो सरकार को सहयोग देने तैयार हैं। सरकार का सरदली बैठक कब हो रही है पूछिए ना जी। नरेंद्र जी मैंने कहा है कि वे एक विरोध कराने का विदेश से अपना तरीका है जिसको विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है किसी की भी सरकार हो, और उसको लेकर भारत सरकार कड़ी प्रतिक्रिया देती है, कड़ा विरोध दर्ज कराती है। इसका वहां के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं कि पहली सरकार है विवेक जी, लेकिन ये समय तो विवेक जी ये तो समय आप भी मांग लेंगे ना कि इस वक्त अगर सहयोग ना भी देना पड़े तब भी अगर हमारी छवि किसी जगह से कहीं कोई दूसरा देश खराब कर रहा है तो सहयोग देना चाहिए। समाजवादी पार्टी इनको ज्ञापन देने के लिए तैयार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो लेटर भेजे, हम तो इनको सहयोग देंगे, हम कहां मना कर रहे हैं। पूछिए सर्वदलीय बैठक कब बुला रहे हैं, ये नहीं देते हैं, ये उनको नहीं मान, हम मान सकते हैं कि उनके पास ये राइट्स है कि वो भारत की निंदा करें या इस तरह से खबर प्रकाशित करें। मेरा मानना ये ठीक है, आंकड़ों में कुछ हेरफेर होगी या कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस तरह से अगर आप उनका सहयोग करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा। विवेक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि समाजवादी पार्टी भारत के किसी भी चरित्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी, हम तो इनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पूछिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, विपक्षियों को साथ लेकर के एकजुट मंच पे जाएंगे, पूछिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि सारे विपक्षी हैं भारत के मुद्दे पे, इनकी हिम्मत है, इतनी आत्मशक्ति है अगर भाजपाइयों के अंदर तो हम तैयार है बैठने के लिए। हमने कब मना किया है, देश के ऊपर कुछ नहीं, हमारे लिए देश प्राथमिकता है, ऐसी सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इन्होंने जो बोला है आज उसको काटना पड़ेगा। वो क्या कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? मुझे जो है वो क्या कहूं मैं, मुझे आश्चर्य लग रहा, हंसी तो आ ही रही है कि मीडिया चिंतित है क्योंकि आप एक कृत्य हंसने वाले हैं, जो आपने पैदा किया जो बोया है उसको काटना पड़ेगा आप सबको मिलकर के। सुन लीजिए भारत सरकार चिंतित है, भारत का मीडिया चिंतित है, लेकिन भारत का विपक्ष कह रहा है कि उसको फोटो दिखानी, उसको मीटिंग में बुलाया जाए, उसकी फोटो समाजवादी पार्टी ने किसी फोटो की बात की, हम तो कह रहे हैं कि हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं। किसने बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ बैठे सारे विपक्ष पक्ष वाले सब बैठे साथ में, हम तो तैयार हैं सरकार को लिख के। क्या आप फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं, आप क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं?
आप लोग फोटो खिंचवा रहे थे इतने दिन तक, उसी के नतीजे, उसी का नतीजा क्या है, भारत की छवि खराब की जा रही है। और इस मुद्दे पर लड़ाई और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन यहाँ पर ये चीजें होती हैं। विरोध करेंगे क्या जैसे लोगों ने आज देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया। विवेक जी और नरेंद्र जी, देखिए एक बार फिर इन बातों पर अगर हम एक दूसरे पर आरोप ही लगाएंगे तो फिर सवाल कुछ नहीं रह जाता है। और विपक्ष का लड़ने का तरीका पता है, आज जनता परेशान नहीं है। विवेक जी, नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आइए हम बैठने के लिए तैयार हैं। आप ठीक है, ठीक है विवेक जी और नरेंद्र जी, इस वक्त पर अगर हम एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए हमारी भारत की जो लोग छवि धूमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो और इसकी घोर निंदा करें, ये है समय इस चीज का करने का, सरकार किसी की भी हो। ठीक है, सही, ठीक है। अगला कदम नरेंद्र जी अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बिल्कुल होगा कि भविष्य में अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि हमारे अंदरूनी मामलों में बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, आधारहीन कोई खबर प्रकाशित नहीं किया है। नहीं, वो चेतावनी पत्र दिखाइए। बिल्कुल नहीं होगा, आप विपक्ष का सहयोग तो ले नहीं पा रहे हैं। मैं 6 बार बोल चुका कि विपक्ष सहयोग देने के लिए तैयार है, अभी तक उस पर तो इन्होंने कहा नहीं कि ठीक है हम विपक्ष का स्वागत करते हैं। आप जो है अखबार पढ़ लीजिए, समाचार चैनल देख लीजिए कि भारत सरकार ने विरोध किया है कि नहीं किया है, तब बोलिएगा। बड़े भाई साहब, मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक प्रार्थना कर लूं, सुन लीजिए 2 मिनट के लिए बस। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष को आप जब जहां जिस तरह से कहेंगे विपक्ष आपके साथ खड़ा है। कह तो रहे हैं हम सहयोग के लिए तैयार हैं, ले लीजिए ना सहयोग। हम तो दे रहे हैं, सहयोग बताइए। विपक्ष सहयोग करेंगे, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष भी तैयार है, इस देश का एक अंग है, इस गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। ठीक है विवेक जी और नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं आशा यही करूंगी कि जिस तरह से लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर सबसे जरूरी कदम यही है कि विपक्ष को एकजुट होकर और इस तरह के ट्वीट ना करते होकर भारत के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह से छवि धूमिल की जा रही है, उस पर एक साथ आकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि ये वक्त महामारी का है और इस महामारी पर हम किसी दूसरे देश को ये अनुमति बिल्कुल नहीं देते कि वो हमारी भारत की छवि धूमिल कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।